What's up chapter, क्योंकि एक ऐसा है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है और ये ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है आपके आसपास आप देखोगे जितने बड़े बिजनेस हैं वो सब मार्केटिंग के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं तो मार्केटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको किताब से दिखाऊंगा कि क्या लिखा है लेकिन समझाऊंगा आपको बहुत प्रैक्टिकल मैनर में बहुत शानदार एग्जाम्पल्स के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिजनेस स्टडीज है ही ऐसा सब्जेक्ट दैट इज वाई वन ऑफ माई फेवरेट्स है तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग को एंड हमारी सीरीज के अकॉर्डिंगली चैप्टर ट्वेल्व हम पहले कर चुके हैं तो दिस इज द लास्ट चैप्टर अगले तीन चार दिन में आपका पार्ट बी समाप्त और सारी चीजें खत्म चलिए लेट्स बिग्न चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है बेटा जी देखो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट आप पूरा फर्स्ट पार्ट में पढ़ के आए हो कि आपको हर चीज एक प्रॉपर सही समय पे सही खर्चे के साथ करनी है गोल्स अचीव करने हैं और मार्केटिंग क्या है जितनी भी एक्टिविटीज मार्केट से रिलेटेड है अब देखो जब भी मैं मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज कहता हूं तो लोगों को लगता है सेल करना सिर्फ नहीं बच्चे सेलिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है माल बेचना इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कस्टमर को दोबारा बुलाना आफ्टर सेल सर्विसेज देना कस्टमर की जुबान पे आपका नाम इतने अच्छे से फिक्स हो जाना चाहिए कि जब भी बात हो टूथपेस्ट की तो दिमाग में सबसे पहले कोलगेट ही आए जब भी बात हो न्यूडल्स की तो दिमाग में सबसे पहले मैगी ही आए जब भी बात हो बटर की तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमूल बटर ही आए तो तो बटर और भी मार्केट में है व्हीकल्स तो और भी मार्केट में है एक्टिवा ही क्यों टूथपेस्ट तो और भी मार्केट में है कोलगेट ही क्यों न्यूडल्स तो और भी मार्केट में है मैगी ही क्यों तो मार्केटिंग बहुत शानदार हुई हुई है समझे तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और अगर आप लोग अपना फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो इस चैप्टर को बहुत प्रैक्टिकल मैनर में समझना यार तुम्हें मजा आ जाएगा तो देखो क्या है सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है द द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट एक मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है अब मार्केटिंग में जो मेन फोकस होता है जब भी आप मार्केटर की तरीके से काम करोगे तो आपका मेन फोकस होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्योंकि क्या माना जाता है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट कस्टमर के बिना कुछ नहीं है राइट right? लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप सेलर हो ना और आपको मार्केटिंग करना आता है तो कस्टमर तो किंग है लेकिन यू आर द किंग मेकर सेलर मार्केटर किंग मेकर होता है और वो बहुत आगे बहुत अच्छी चीजें करता है तो देखो क्या लिखा हुआ है ऑल द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर इज द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस बेसिक पर्पज हर डेफिनेशन में यही बताया गया है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे क्या है सर? है सर मार्केटिंग क्या तो मार्केटिंग सोशल प्रोसेस सोशल प्रोसेस का मतलब सोसाइटी से लिंक्ड है सोसाइटी से जुड़ा है सोशल प्रोसेस बाय इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स चाहे कोई इंडिविजुअली सामान लेने के लिए आए चाहे पूरा ग्रुप आए तो वांट उनको जो भी चाहिए मिलेगा थ्रू क्रिएटिंग आपने क्रिएट करना है यानी बनाना है खुद या ऑफर करना है बना बनाया लाए ऑफर कर रहे हो एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और आसानी से एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर ऑन द नीड्स एंड कस्टमर्स एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिसफाई दैम मार्केटर्स क्या करते हैं फोकस करते हैं किस चीज पे फोकस करते हैं नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर्स पे नीड्स पे और वॉन्ट्स पे किसकी कस्टमर्स की एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच वुड सेटिसफाई दैम देखो पहले क्या होता था प्रोडक्ट बना दो बिक जाएगा मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता मार्केटिंग में आप कस्टमर को स्टडी करोगे कस्टमर को चाहिए क्या कस्टमर डिमांड क्या कर रहा है भैया गाड़ी बनानी है सनरूफ चाहिए क्या हाँ भाई कस्टमर मांग रहा है भैया गाड़ी बनानी है क्या म्यूजिक सिस्टम बड़ा धांसू होना चाहिए हाँ यार कस्टमर मांग रहा है भैया गाड़ी बनानी है क्या फ्रंट का ग्रिल बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए हाँ यार क्या एलईडी लाइट्स होनी चाहिए दूर तक व्हाइट कलर की लाइट्स जाए हाँ यार कस्टमर मांग रहा है तो देखो गाड़ियां कैसे डिजाइन हो रही है जो कस्टमर की डिमांड है पहले क्या होती थी गाड़ी बना दो बिक जाएगी क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन ही नहीं था आज जो कस्टमर मांगेगा जो फीचर पहले 50-60 लाख रुपए की गाड़ी में आते थे आजकल वही फीचर 7-8 लाख रुपए की गाड़ी से शुरू हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि मार्केटिंग ही ऐसी हो रही है मार्केट ग्रो ही ऐसा हो रहा है हम ये चाहते हैं कि हम वो बनाए जो कस्टमर चाहता है ना कि वो जो मैं चाहता हूं एक मार्केटर मार्केट स्टडी करेगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन कराएगा तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट ब्रांडिंग प्रोडक्ट पैकेजिंग प्रोडक्ट लेबलिंग प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बहुत सारी चीजें सब मार्केटिंग पे बेस्ड है बच्चों राइट right? समझ में आ रहा है ठीक है चलो फीचर्स क्या क्या होंगे मार्केटिंग के सबसे पहला फीचर है नीड्स एंड वॉन्ट्स कस्टमर का नीड क्या है वॉन्ट क्या है आपका प्रोडक्ट दोनों को सेटिस्फाई करे आपका प्रोडक्ट कस्टमर की जरूरत भी बने और आपका प्रोडक्ट कस्टमर के लिए वांट भी बने कि मुझे चाहिए चाहिए मेरी जरूरत है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब मैं जाऊंगा अगर मार्केट में मैं बोलूंगा मुझे एप्पल आईफोन लेके आना है क्यों लेके आना है क्योंकि मेरी नीड है आई एम अ अंटेंट क्रिएटर तो मुझे अच्छा कैमरा भी चाहिए मुझे अच्छा माइक भी चाहिए मुझे शॉर्ट्स रील्स भी बनानी होती है मुझे कहीं पे कुछ भी रिकॉर्ड करना होता है तो मुझे इमीडिएटली मैं बड़ा कैमरा हर जगह कैरी नहीं कर सकता मुझे एक अच्छा सेल फोन चाहिए तो मुझे वहां पे उस चीज की नीड है लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज की नीड नहीं है बस वांट है कि क्योंकि उसके पास एप्पल है तो मुझे भी एप्पल चाहिए भैया बाजार से जाके एक किलो सेब लिया <laughs> नहीं अगर किसी के पास आईफोन है वो उसको कैसे दिखा रहा है वो उसको दिखा रहा रहा है 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 एज अ स्टेटस स्टेटस सिंबल कि यार मैं मेरा आई यूज आईफोन एक चिंटू कह रहा है, मुझे भी लेना है उसको जरूरत नहीं है तो दैट इज हिज वांट ओनली तो एक मार्केटर दिमाग लगाता है कि आपका प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीड के टाइम पर ही बिके आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाओ कि वो लोगों की वॉन्ट भी बन जाए कि जरूरत हो या ना हो बिक रहा है तो क्या लिखा है देखो द फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स मार्केटर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द नीड्स आप नीड्स को आइडेंटिफाई करो टारगेट कस्टमर्स की और प्रोडक्ट बनाओ जो उन नीड्स को सेटिस्फाई करे दूसरा कस्टमर वैल्यू आपका जो प्रोडक्ट है वो तभी एक कस्टमर लेगा अगर उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू उससे मिल रही है राइट right. अब देखो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो वैल्यू एडिशन करे मैंने ये कैमरा क्यों लिया क्योंकि इससे मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूँ मैंने ये माइक क्यों लिया क्योंकि इससे मेरी ऑडियो बहुत अच्छी जाती है बच्चों तक ये सारा लाइटिंग सेटअप मैंने क्यों लिया या ये बोर्ड क्यों लिया क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन हो रहा है पहले जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था तो मैं इतना पॉइंट नहीं लिख सकता था मैं बस दो लाइन लिखूंगा बस खत्म बच्चे अगर एग्जाम में लिख के आते थे तो उनको टीचर्स पूरे नंबर नहीं देते थे तो मैंने कहा यार मुझे एक बोर्ड चाहिए जिसपे मैं बच्चों को सारा पूरा दिखा सकूं कि इतना तुम्हें लिखना है और इस तरीके से लिखना है अब बच्चों को क्लैरिटी आने लगी कि जब हम एग्जाम में कस्टमर वैल्यू लिखेंगे तो उसके अंदर तीन ऐसे सब पॉइंट बनाने हैं तो पूरे नंबर आने लगे तो वैल्यू एडिशन कर रहा है ना तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे ये यहाँ पे लिखा हुआ है बायर्स विल परचेज अ प्रोडक्ट ओनली इफ इट इज परसिव्ड टू बी गिविंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर मनी है ना द इज टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट आपको प्रॉफिट भी बनाना है राइट right? नेक्स्ट क्या है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग आपको अपने प्रोडक्ट को एज अ कंप्लीट कंप्लीट ऑफर ऑफर देना है complete offer का क्या मतलब है कि मैं जब एक कैमरा लेके आया तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे एक था सिर्फ कैमरा लेंस अलग से खरीदो मेमोरी कार्ड अलग से खरीदो बैटरी का चार्जर अलग से खरीदो उसके अलावा बैग अलग से खरीदो और एक था पूरा पैक इसमें कैमरा भी है सर मेमरी कार्ड भी है इसमें लेंस भी है इसके अंदर एक्स्ट्रा बैटरी भी है इसके साथ एक बैग भी फ्री है तो मैं किसके लिए गया जो पूरा ऑफरिंग था तो जब भी आप कोई चीज मार्केट में बनाओ तो ध्यान रखो वो एक प्रोडक्ट ना हो वो अपने आप में एक ऑफरिंग हो ऑफरिंग का मतलब कंप्लीट पैकेज हो ये यहां पे बोला गया है मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय स्पेसिफाइंग उसके फीचर शेप साइज कलर सब बताओ ऑफरिंग अ सेलफोन विद गुड मेमोरी अब देखो सेलफोन में अच्छी मेमोरी है टीवी व्यूइंग है इंटरनेट है कैमरा है ये सब एक अच्छा ऑफरिंग है एक मोबाइल फोन के साथ कितनी चीज़ें जुड़ गई पहले मोबाइल फोन क्या होता था सिर्फ हेलो हाँ गुड मॉर्निंग मेरी याद आई आपको हाँ मुझे आपकी बहुत याद आई तो सिर्फ एक फोन था आज क्या है आज एक पूरा कैमरा है साथ में वीडियो बनती है ऑडियो बनती है हर आदमी अपने घर में मीडिया है आज पहले मीडिया सिर्फ मीडिया वाले हुआ करते थे आज हर आदमी मीडिया है आज कुछ भी होता है एक मिनट से पहले सोशल मीडिया पे आ जाता है तो आज सेलफोन सेलफोन नहीं रहा आज एक पूरा ऑफरिंग है तो समझ गए ऑफरिंग का मतलब ठीक है नेक्स्ट क्या आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब कि आपको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है जिसपे आप कस्टमर से एक्सचेंज भी कर पाओ भाई सामने वाला आपको पेटीएम करना चाहता है तो आपका पेटीएम होना चाहिए सामने वाला आपको जी पे फोन पे गूगल पे इंटरनेट बैंकिंग ईएमआई किसी भी तरीके से पेमेंट करना चाहता है आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए अदरवाइज कस्टमर भाग जाएगा आपने बोला कैश ऑन डिलीवरी नहीं है कस्टमर बोलेगा मैं कहीं और से ले लू तो एक अच्छा मार्केटर ध्यान रखता है एक प्रॉपर एक्सचेंज मैकेनिज्म का प्रॉपर एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है कि हाँ कस्टमर को अगर मेरा प्रोडक्ट लेना है तो वो हर तरीके से वो जैसे पे करना चाहे कर सकता है मेरे पास हर ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज अ गुड एक्सचेंज मैकेनिज्म देखो क्या लिखा है द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर देम इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी कस्टमर पैसा देगा एंड इन रिटर्न उसको प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाएगा ठीक है परफेक्ट है अब देखो एक्सचेंज को ही एसेंस ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं और मार्केटिंग के कुछ पिलर्स लिखे हैं जैसे कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए बायर सेलर दोनों फ्री हो टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर मतलब कोई बर्डन ना हो ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से बातचीत हो ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हुए उनको कोई परेशानी ना फील हो बोथ पार्टीज मस्ट है दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिल रहा हो तो ही मार्केटिंग काम करता है right? तो ये सारे बच्चे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में आ जाते हैं नीड्स एंड वॉन्ट कस्टमर वैल्यू ऑफरिंग एक्सचेंज मैकेजम इसके बाद आज हम ये आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलासफीज इसका स्क्रीन ले लो ये एग्जाम में भी आ जाती है लास्ट ईयर सी यू ई टी के पेपर में भी इसका क्वेश्चन था तो क्या है सर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज देखो मार्केट में ना बहुत सारे सेलर्स हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच रहे हैं सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होता है सबका अपना अपना फिलॉसफी होता है प्रोडक्ट बेचने का तो यहां पे मार्केटिंग की पांच फिलोसफीज के ऊपर रोशनी डाली गई है पांच चीजें बताई गई हैं नंबर वन इज प्रोडक्शन नंबर टू इज प्रोडक्ट नंबर थ्री इज सेलिंग नंबर फोर इज मार्केटिंग नंबर फाइव इज सोसाइटल मैं प्रोडक्शन से शुरू करता हूं देखो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यह बोलता है कि कुछ लोगों को चाहिए कि प्रोडक्ट सस्ता बनना चाहिए प्रोडक्ट कैसे बने सस्ता बने तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे क्योंकि मैं जितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करूंगा मैं जितना लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करूंगा उतना ही सस्ता मुझे वो चीज पड़ेगी और जितनी सस्ती मुझे वो चीज मिलेगी उतना मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है आप हर प्रोडक्ट को बल्क में बनाने की कोशिश करो अगर आप बल्क में बनाओगे तो आपकी कॉस्ट कम आएगी कॉस्ट कम आएगी तो आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बनाओगे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बनाओगे तो आप बिजनेस में ज्यादा ग्रो कर पाओगे तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस होता है वो होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर इसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कैसा है इसका फोकस है बल्क में बनना चाहिए बड़ी क्वांटिटी में बनना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बोला जाता है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हमारा फोकस है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे कुछ लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं चार बना रहा हूं या चालीस बना रहा हूं या चार हजार बना रहा हूं मुझे कॉस्ट देखना ही नहीं है मुझे तो यह देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कोई कस्टमर ले जीवन भर याद करे कि हाँ भाई कुछ खरीदा था तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर सालों साल उसको याद रखे तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस हमेशा रहेगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे ओके सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सेलिंग बोलता है जो भी बना दिया बस बेचो सेल बाय हुक और बाय क्रुक आपको सामने वाले को सामान बेचना है उसको जरूरत है या नहीं है तभी आप मार्केट में सरवाइव करोगे इनके हिसाब से अगर आपको बेचना आता है आपको सामान बेचना आना चाहिए मैकडोनल्ड क्या बोलता है कि हमें पता है हमारे बर्गर पूरे बेस्ट नहीं है लेकिन हमें बेचना आता है हम बेचते हैं हम बेस्ट बर्गर बनाने वालों से भी अच्छे बर्गर बेचते हैं तो वो क्लियरली बोलते हैं कि वी आर नॉट गुड मेकर्स ऑफ बर्गर्स बट वी आर गुड सेलर्स ऑफ बर्गर्स हमें बेचना आता है तो सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है सेल बाय हुक और बाय कैसे भी बेचो बेच के दिखाओ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग बोलता है भैया सामान सिर्फ बेचने पे फोकस करोगे कस्टमर पे सेटिसफैक्शन पर फोकस नहीं करोगे तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा फीडबैक भी अच्छा नहीं देगा तो मार्केटिंग का फोकस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और वो रिपीट सेल तभी देगा तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द की ये तो मार्केटिंग में फोकस्ड रहेगा हमेशा कि जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तब तक कुछ नहीं है तो मेन फोकस इज ऑन कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सोसाइटल क्या बोलता है सोसाइटल बोलता है टेक केयर ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी के लिए भी कुछ करो यार सोसाइटी के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो सोसाइटी के लिए पॉल्यूशन ना करो सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल कॉस्ट पे प्रॉफिट बनाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपका प्रॉफिट होना चाहिए टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी बस इस चीज का ध्यान रखो क्योंकि रिसोर्सेज तो सोसाइटी से ही आए ना तो सोसाइटी को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो सोसाइटी का भी ध्यान रखना है ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आपको एक बार रीडिंग कराता हूं डन है आओ देखो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इसमें क्या लिखा हुआ है इसके अंदर जो मेन फोकस है ठीक है देखो पहले क्या लिखा हुआ है शुरू में द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स लिमिटेड होते थे कोई भी जो बनाता था वो बिक जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं होता है आज क्या हो गया है आज बहुत सारे लोग हो गए हैं बहुत सारी चीजें हो गई हैं बहुत सारे सेलर्स हो गए हैं तो आज हम क्या चाहते हैं आज हम चाहते हैं अफोर्डेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर टू बी द की है ना क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा तो अफोर्डेबल कब बनता है देखो लिखा हुआ इट वॉज बिलीव दैट प्रॉफिट कुड बी मैक्माइज बाई प्रोड्यूसिंग एट अ लार्ज स्केल जितना लार्ज स्केल बनाओगे उतना अच्छा है तो इस कॉन्सेप्ट का फोकस है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट पे बल्क में बनना चाहिए भाई जितना बल्क में बनेगा उतना अच्छा है उसके साथ साथ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़िया होनी चाहिए तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा तो कम खर्चा आएगा अफोर्डेबल बनेगा ज्यादा बिकेगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का फोकस है ज ए रिजल्ट ऑफ एम प्रोडक्शन कपैसिटी ड्यूरिंग डेज द पोजिशन ऑफ सप्लाई इनक्रीज ओवर तो सप्लाई बढ़ने लगा है अब कस्टमर स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्रोडक्ट जो सुपीरियर है क्वालिटी में तो so, आपको वो प्रोडक्ट बनाना है सुपीरियर क्वालिटी है अच्छे परफॉर्मेंस है अच्छे फीचर है तो so, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी न्यू फीचर्स अच्छी अच्छी चीजें ये इसके अंदर लेके चलना है तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा आता है सेलिंग सेलिंग किस पे फोकस करेगा आपको सामान बेचना आना चाहिए ठीक है कैसे बेचना आएगा देखो एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स लगाओ अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट करो अच्छे अच्छे ऑफर्स दो है ना कस्टमर तब तक नहीं लेगा जब तक आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे कन्विंस नहीं कर पाओगे परसुएट नहीं कर पाओगे तो फर्म को क्या करना है अच्छी एग्रेसिव सेलिंग अच्छी एफर्ट्स प्रमोशन के एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग सेल्स प्रमोशन ये सब बहुत अच्छे से करना पड़ेगा तब प्रोडक्ट बिकेगा तो सेलिंग का फोकस बेचने पर मार्केटिंग का फोकस किस पे है मार्केटिंग का फोकस है सेटिस्फैक्शन पे सेटिसफाई नीड ऑफ द कस्टमर जब तक आप कस्टमर नीड्स को सेटिसफाई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा देखो लिखा हुआ है इन द लॉन्ग रन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑफ प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग द द नीड्स बायर्स नीड्स को आइडेंटिफाई करो और उनके सेटिस्फैक्शन पे काम करो फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑन कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये तभी बोल रहा है देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सब में है प्रोडक्शन में भी प्रोडक्ट में भी सेल्स में भी मार्केटिंग में भी सोसाइटल में भी लेकिन हर फिलोसफी का कुछ ना कुछ और टारगेट भी है तो इसको ध्यान रखना है ठीक है लास्ट कौन सा आता है बच्चों लास्ट आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट सोसाइटल अच्छा ये पिलर्स ऑफ मार्केटिंग एक बार रीड ओनली है इसको आप रीड करके छोड़ देना क्योंकि ये सारी चीजें आगे पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर का नाम ही मार्केटिंग है सोसाइटल कॉन्सेप्ट है? क्या बोलता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो सोसाइटल मार्केटिंग 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 इज द एक्सटेंशन ऑफ से एक स्टेप आगे प्रॉफिट बनाओ कस्टमर का ध्यान रखो सोसाइटी का भी ध्यान रखो अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट पेज अटेंशन टू सोशल एथिकल इकोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग देर आर लार्ज नंबर ऑफ सच इशूज दैट नीड्स टू बी अटेंडेड परफेक्ट है इसके बाद एक डिफरेंस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा

लाइक like कर देना कोई दिक्कत आए तो कॉमेंट्स में बता देना मिलता हूँ मैं आपको कल रिलदेंसिया टेक केयर बाय